हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है, इफ़ एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी भी। एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर को इसमें कन्वर्ट करूँ मैं और नॉर्मली ऐड कर दूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर देना एक्स स्क्वेयर अब इसमें, ठीक है। देखो क्यों, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कि पहले मैं एक्स स्क्वेयर करूँ फिर बाद में रैशनलाइज करूँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, पहले रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करके नॉर्मल टर्म आ जाएगी नीचे क्योंकि रूट में नहीं रहेगी वैल्यू, फिर उसका स्क्वेयर करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो सॉल्यूशन में जैसे एक्स है हमारे पास कितना, रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में है रूट थ्री माइनस रूट टू, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो रूट थ्री प्लस रूट टू आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू। तो ऊपर देखो दो बार है रूट थ्री प्लस टू, रूट थ्री प्लस टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट थ्री प्लस रूट टू, या इसका हम स्क्वेयर भी कर सकते थे या वैसे भी लिख सकता था नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, तो स्क्वेयर लिख दिया मैंने, ठीक है। अपॉन में नीचे देखो क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यानी कि ये रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस रूट टू का स्क्वेयर, समझ रहे हो क्या हो रहा है। रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वेयर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाओ जरा, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, तो ए बी क्या है रूट थ्री और रूट टू। और नीचे देखो क्या होगा, ये स्क्वेयर इससे कट गया रूट से, तो थ्री माइनस टू कितना बचा, वन, और ये देखो रूट थ्री से, तो थ्री प्लस टू कितना हो गया, ये हमारे पास फाइव प्लस टू और थ्री टू ज़ा सिक्स, टू रूट सिक्स, ये आ गया, समझ रहे हो कितना इजी हो गया। एक्स आ गया तो एक्स स्क्वेयर निकाल सकते हैं हम, फाइव प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वेयर कितना आएगा, फाइव फाइव ज़ा, या इसको पहले मैं लिख देता हूँ ठीक है फॉर्मूले में, तो ए प्लस बी का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू इंटू फाइव इंटू में टू रूट सिक्स, इस तरीके से समझ रहे होंगे क्या हो रहा है, ठीक है। फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस टू टू ज़ा फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स ही होता है, तो फोर इंटू सिक्स, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर प्लस टू फाइव ज़ा टेन, टू ज़ा ट्वेंटी रूट सिक्स, और ये कितना बन गया हमारे पास, ये ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फोर कितना हो गया, ये नाइन और ये फोर, फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी रूट सिक्स, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। ऐसे ही हम वाई को कर देंगे, ठीक। तो वाई के लिए करते हैं, देखो वाई कितना है हमारे पास, रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन में रूट थ्री प्लस में रूट टू, तो इसको भी रैशनलाइज करते हैं, रूट थ्री माइनस रूट टू और ये रूट थ्री माइनस रूट टू, ऊपर बनेगा रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वेयर क्योंकि दो बार है टर्म सेम टर्म, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस रूट टू का स्क्वेयर, बताओ समझ में आ रही है ये नहीं बात, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करो, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाओ, रूट थ्री का स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, रूट थ्री इंटू में रूट टू, और नीचे देखो ये स्क्वेयर इससे रूट से कट गया, तो थ्री माइनस टू वन ही बन जाओ, ठीक है। ये समझ रहे हो, स्क्वेयर रूट कटेंगे इससे स्क्वेयर से, तो थ्री प्लस टू कितना आ गया यहाँ पर, फाइव माइनस टू रूट थ्री और रूट टू, तो थ्री टू ज़ा सिक्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका स्क्वेयर करना है, वाई का स्क्वेयर करना है, तो फाइव, ये क्योंकि वाई है ना, ठीक है, फाइव माइनस टू रूट सिक्स, इसका स्क्वेयर कर दो, अगेन फाइव का स्क्वेयर प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वेयर, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू में फाइव इंटू में टू रूट सिक्स, आ रहा है समझ में, ठीक है। फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस टू टू ज़ा फोर और सिक्स, क्योंकि रूट सिक्स है इसका स्क्वायर, तो कितना बचेगा, ये टू टू ज़ा फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स, ये आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स, समझ रहे हो। अब तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कितना है, फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी रूट सिक्स, और वाई स्क्वेयर कितना है, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी रूट सिक्स, ये कैंसिल प्लस माइनस में, और फोर्टी नाइन कितना होता है, नाइन्टी एट, नाइन्टी एट इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किया क्वेश्चन, तो सिंपल ही है, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। रैशनलाइज ही है मेनली इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो वो जिसको आता है तो ये चैप्टर बहुत ईजी है उसके लिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।